जैसे जैसे आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है, वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए विकास कार्यों की फूलकुलती नजर आ रही है, जिसको लेकर ईटीबी की टीम लगातार गांवों जाकर इसका माहौल देख रही है और जान रही है कि गांव में जनप्रतिनिधियों द्वारा कितना काम कराया गया। लेकिन इसी क्रम में आज हम पहुँचे भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के गाँव चंदपुर चुबकिया में, जहाँ ग्रामीणों ने सड़क निर्माण न होने को लेकर ये एक बोर्ड लगाया है जिसमें साफ साफ लिखा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ बीजेपी का जो पार्टी चिन्ह है कमल का फूल, इस पर भी कट लगाया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। और अब हम जाते हैं, बात करेंगे गांव वालों से कि आखिर क्या मामला है जो वोट लगाया गया है, जो चुनाव आगामी चुनाव का बहिष्कार किया गया है, इसमें कहाँ तक कितना परेशानियाँ और क्या विकास कार्यों को लेकर उनको तकलीफ है, जानेंगे ग्रामवासियों से बात करने के बाद। हमें सर आपका, मेरा नाम भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह जी, बताइए ये जो रोड है, आपने बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे कि ये रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या पूरा मामला है और क्या आप लोगों का ऐसा मतलब बहिष्कार के लिए आप लोग ऐसा है भाई साहब, यहाँ पे हमारे 40 साल लगभग हुए, हमारे बहुत से पहले का ये रास्ता जो है ये खरंजा पड़ा हुआ है, आज तक किसी नेता ने नहीं सुना। तब से हमने कही थी, जब विधायक जी के पास गए, विधायक जी आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करता है। सांसद जी के पास भी गए, वहाँ भी जो है आश्वासन मिला, काम नहीं। और बाकी जो है देख देख इंतजार में, मतलब जो है गांव वालों ने ये सोचा कि वोट लगाते हैं और बहिष्कार करते हैं। तो आगामी 2022 के चुनाव में आप वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे। पूरा गांव ने ये ऐलान कर दिया? हाँ, पूरे गांव ने ये ऐलान कर दिया है कि यार काम नहीं होगा तो वोट नहीं पड़ेगा। तो आपके एरिया में विधायक 5 साल से विधायक है, कभी आपके कभी नहीं आए विधायक, कभी हमारे गांव में नहीं आए। कितनी बार शिकायतें आप लोगों ने की? कहाँ शिकायत? दो तीन बार तो विधायक जी से कर दी, 2-3 बार सांसद जी के पास भी लिख के दे दिया और लिखित में दिया है। फिलहाल अभी तो कोई विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी है हमारे गाँव के अंदर, ना नालियाँ हैं। खासे नाराज यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहिष्कार को मजबूर हो रहे हैं। बात एक भाई से और करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? किशन सिंह। किशन सिंह जी, बताइए ये जो आपने बोर्ड लगाया है, बहिष्कार कर रहे हैं, इसका क्या कारण है जो आप इतना मतलब सरकार से नाराज हैं? बात ये है सर, आप देख सकते हैं खुद ही हाल को क्या है। गांव में जाएंगे तो पैदल चलने का रास्ता नहीं है गांव के अंदर। सारे गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत जो सड़कें पड़ रही हैं उससे भी हमारे गाँव में कभी कोई लाभ नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ है आज तक। हमारे होश से पहले की, हम तो बहर बहुत छोटी उम्र है, बाकी हमसे जो बड़े जो हैं सारे लोग बताते हैं कभी भी कोई काम नहीं हुआ। और आज भी आप देख सकते हैं गांव का हाल क्या है, बुरा हाल है इस गांव में। जब रोड ये लगभग कितना लंबा होगा? बस यही 200-250 मीटर का रोड पड़ेगा, मुश्किल से 200-250 मीटर का रोड नहीं पड़ेगा, बस गांव तक पहुंच जाएगा। आप ये 2022 के चुनाव में वोट नहीं देंगे? नहीं, पूरा गांव हमारा एकजुट है, बीजेपी को ही नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, मतदान का ही बहिष्कार करेंगे हम अगर हमारे यहाँ काम नहीं होगा तब। ऐसा क्यों? उसे कई बार शिकायत भी की है, पोर्टल पे भी हमने शिकायत की है, और वो ये कहता है कि मैं तो प्रधान जी को पैसे देता हूँ और वीडियो साहब की गाड़ी चलाता हूँ, मुझे कोई यहाँ से सस्पेंड नहीं करा सकता, ना मुझे यहाँ से कोई ट्रांसफर कर सकता। गांव में इतने बुरे हालात हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है और विकास भी नहीं है, बिल्कुल सारी नालियाँ भरी हुई हैं लबालब, गंदगी बहुत है, घास भी खड़ी हुई है, ना उसने स्प्रे कराई है, ना नालियाँ साफ करता है, केवल मोटरसाइकिल से चश्मा लगा के आता है, अखबार लेके यहीं पढ़ता रहता है और बाकी चला जाता है। तो सफाई कौन करता है फिर गांव की? सफाई ऐसी पड़ी हुई है, अपनी स्वयं सफाई करते हैं, जिनके घर के आगे वो खुद स्वयं सफाई कर रहे हैं। नालियों की बात की जाए तो नालियाँ तो आपके गाँव में पानी निकासी के लिए किस तरीके के हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं, नालियाँ सारी टूट चुकी हैं, बहुत जर्जर हालात है, स्थिति बहुत खराब है गाँव की, सारे खरंजे और नालियों की बुरी स्थिति है। जनप्रतिनिधि यहाँ कब आते हैं? जनप्रतिनिधि वोट मांगने नहीं आते, उसके वोट मांगने आए थे, उसके बाद कभी नहीं आए। गांव की सरकार के लिए क्या कहेंगे? बुरी स्थिति है, कोई अच्छी नहीं। प्रधान के द्वारा कोई काम कराया गया? कुछ भी काम, कोई काम नहीं कराया गया, ना पिछले वर्ष में और न इस वर्ष में। ये हमारे संज्ञान में आज ही बात आई है कि गांव के ग्राम पंचायत के लोगों ने आपसी सहमति से एक बोर्ड लगाया है कि जो उनके यहाँ रोड की समस्या है, और बताते हैं कि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं उन्होंने काफ़ी दिनों से उनसे अपनी बात रखी है, लेकिन वो उसका समाधान नहीं हो पाया, इसलिए इन्होंने अपनी नाराज़गी बोर्ड लगा के व्यक्त करी है। मेरा यहाँ आने का मकसद यही है
कि हम अपनी तरफ से कुछ बेहतर कर सकते हैं तो उसके लिए देखें और उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए मेरा यहाँ आना हुआ है। गांव वालों का कहना है यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आता है और कोई भी गांव में शिकायत करने के बावजूद भी विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, तो ये क्या ब्लॉक के दूरस्थ गांव है इसलिए है या फिर कुछ विधानसभा से दूरस्थ है या फिर कुछ और? अब देखिए, विकास कार्य के लिए तो 3 एजेंसियाँ हैं, ग्राम पंचायत से भी ये काम होने के होते हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। और मैं समझता हूँ यहाँ के लोग तो एक्टिव हैं, क्यों काम नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है, ये मैं बगैर समझे उसके विषय में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन काम करने के रास्ते हैं और प्रयास करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो आज आप यहाँ पर आए हैं तो लोगों को क्या उम्मीद रहेगी आपसे? मेरे आने का एक ही मकसद है कि गांव की बात को समझना है और उसका रास्ता निकालना, कि मैं यहाँ से बराबर में वार्ड 21 है, वहाँ से हमारी पत्नी यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं और मैं भोजीपुरा से ब्लॉक प्रमुख हूँ, तो अगर ब्लॉक की यहाँ सीमा नहीं आती है तो जिला पंचायत की माध्यम से कोशिश करूँगा कि इस काम को कुछ कराया जाए और लोगों की समस्या का निदान करा जाए। आज हम पहुँचे भोजीपुरा विधानसभा की चंदपुर चमकिया गांव में, जहां पर लोगों से बात की तो पता लगा 40 सालों से, 4 दशक जिसे कहते हैं, कोई भी विकास गांव में नहीं हुआ। सीसी रोड का निर्माण यहां पर कहीं दिखाई नहीं दिया। विकास नाम पे इस गांव में सिर्फ 0 के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों से बात करने पर पता लगा अगर 2022 के चुनाव तक इस गाँव में विकास नहीं हुआ तो वह वोट नहीं डालेंगे, बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ साथ चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। मैं आकाश गंगवार, ईटीवी भारत, बरेली।